नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और सभी को बधाई है क्योंकि चैनल हो चुका है वेरीफाई। बहुत ही जल्दी मैं गिव अवे भी लाने वाला हूं। तो अभी हम बात करते हैं अफसोस करोगे गाने के ऊपर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो भाई। लॉन्डो की इतनी शिकायतें आ रही है ना, इतनी शिकायतें आ रही है कि मुझे लगता है कि उनकी आवाज को बुलंद करना चाहिए और उनकी शिकायतों को उजागर करना चाहिए इस संसार, इस दुनिया के सामने, ताकि आसिम रियाज के साथ ऐसी घटनाएं फिर ना घटे। तो सबसे पहले हम बात करें तो आसिम रियाज को काफी डबल मीनिंग गाने दिए जाते हैं। अगर हम इस गाने की बात करें तो अफसोस करोगे लिख भी लीजिएगा अफसोस करोगे। तो भाई ये गे शब्द को इतनी बार यूज क्यों किया गया है और इतना ज्यादा जोर क्यों डाला जा रहा है इस आप बात क्यों पूछते हैं। और अगर इससे पहले का गाना देख लिया जाए तो उसमें भी डबल मीनिंग बात कही गई थी कि मैनू मिठा बहुत पसंद है। तो भाई मिठे के ऊपर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया गया, जनता इसका भी जवाब जानना चाहती है। बोलिए, अरे सांप सूंघ गया क्या, बोलिए क्यों पूछते हैं। अरे जो बताने के काबिल शिकायत की ओर और लड़कों को बहुत ज्यादा अफसोस इस बात का है कि पूरे गाने के अंदर सिर्फ हिमांशी पर ही फोकस किया गया, जबकि उसके साथ की जो सहेलियां थी वो काफी खूबसूरत दिख रही थी, मगर उनके ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया। अब लड़कों का ये कहना है कि कोरोना की वैक्सीन तो एक दिन फिर भी बन जाएगी, मगर इस दर्द का क्या जो हिमांशी की शक्ल देख देख के इस गाने के अंदर उनको मिला है, और इस बात का जन्मों जन्मों तक अफसोस मनाया जाएगा, इस बात का कोई और जवाब नहीं दे सकता सिवाय अंशुल भाई और टोनी कक्कड़ के। तो बढ़ते लॉन्डो की आखिरी शिकायत के ऊपर और इस बात का काफी ज्यादा अफसोस है लॉन्डो को कि इस छोटे से बच्चे को किसने खुला छोड़ दिया, जिसकी वजह से कि हिमांशी और आसिम के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई और दोनों मिलकर भी ना मिल सके। तो इसका जवाब देने के लिए आ रहे हैं मिस्टर जॉय। सो मिस्टर जॉय, आपका वेलकम है, इस बात पे कृपया प्रकाश डालिए आप। थैंक यू। देखिए, मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि इस छोटे से बच्चे को इतना ज्यादा ना कोसा जाए, इतनी बद्दुआएं ना दी जाए। ये बच्चा बेचारा मासूम सा बच्चा, और अगर इस कहानी को देखा जाए तो आसिम रियाज ने अपने दोस्त जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है और जिसका एक बच्चा है, उसका पहले ही प्लानिंग कर रखी थी। और क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो आपको पता रहता है कि रीयूनियन में कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला। तो हिमांशी जो कि रीयूनियन में आने के पूरे चांसेस थे और वो आई भी, उसको देखते ही आसिम रियाज को अफसोस हुआ काफी। मगर आसिम रियाज ने अपने दोस्त के साथ पहले ही प्लानिंग कर रखी थी कि तेरे लड़के को मेरे हवाले कर दे और मैं उसका बाप होने की एक्टिंग करूंगा, और काफी ज्यादा एक्टिंग की गई यहां पर। मगर एंड में आते आते पोल खुल जाती है क्योंकि बच्चा जो है वो काफी मासूम है, वो अपने बाप और माँ को देख के रुक नहीं पाया और वो भागते हुए चला गया और बाप भी अपने प्यार को नहीं रोक पाया। अब यहाँ पर हिमांशी ने जब ये चीज देखी तो हिमांशी को पूरी पिक्चर क्लियर हो गई कि ये आसिम लौंडा नहीं सुधरने वाला, कॉलेज में भी मेरे को काट के गया और आज भी इसने मेरा फुद्दू काटा। मगर अब क्योंकि लौंडो में एक गिल्ट भी होता है तो आसिम रियाज को यहाँ पे जरूर एक गिल्ट आया है कि हिमांशी को मेरी ये करतूत का पता चल गया है, तो जिस रास्ते से मैं कन्नी काटना चाह रहा था वो रास्ते में कन्नी तो काट ली मगर थोड़ी सी गिल्ट भी मिल गई। तो भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया नहीं। तो ये है पूरी की पूरी कहानी। आसिम रियाज यहाँ पर अपनी एक्स बंदी से बच के निकलना चाहता था, जिसमें वो पूरी कामयाबी मिली आसिम रियाज को, और मगर साथ में थोड़ा सा गिल्ट मिला, इसीलिए इस गाने का नाम दिया गया गिल्ट, मतलब कि अफसोस करो गे। Hey guys, तो ये तो थी थोड़ी मजाक मस्ती, मगर अगर गाने की बात करूं तो यार लिरिक्स मुझे अच्छे लगे, स्टेबिंग की आवाज भी अच्छी लगी। आसिम हिमांशी से भी कुछ ऐसा गिला शिकवा नहीं है कि भाई उनकी मैं जबरदस्ती की बुराई निकालूं यहाँ पर। बट हाँ, अगर आप बात करोगे स्टेबिंग की आवाज की तो आपको पूरा यही देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि यार ये आतिफ के साथ कुछ कनेक्शन लगता है, अरिजीत के साथ कनेक्शन लगता है, और ये इंडिया में जो भी नए सिंगर्स आ रहे हैं उनकी प्रॉब्लम है कि भाई पता नहीं क्यों वो आतिफ और अरिजीत को कॉपी करने की कोशिश करते हैं या फिर ऑटो ट्यूनिंग इतनी कर देते हैं कि उनकी आवाज वैसी लगती है हमको, पता नहीं क्यों मुझे। तो यार देखो, सबसे पहले बता दूं कि भाई आसिम फैन से अपना कोई गिला शिकवा नहीं है, ना आसिम से गिला शिकवा। अभी रिसेंटली सिद्धार्थ भाई और आसिम के कुछ ट्वीट भी एक्सचेंज हुए, तो इट्स ओवर फ्रॉम माई साइड ऑल्सो। बट
बट कुछ लोग हैं जिनका सॉन्ग रिव्यू सिद्धार्थ को नीचा दिखाए बिना कंप्लीट नहीं होता, पता नहीं क्यों, तो भाई उनका जवाब देना भी बन जाता है। तो भाई देखो, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड्स की। पता नहीं अब आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है भाई ट्रेंड से। ट्रेंड्स फैन करते हैं, कभी भी सेलिब्रिटी नहीं करता है। तो फैन अगर ट्रेंड कर रहे हैं तो इससे क्लियर है कि भाई जिसके ट्रेंड हो रहे हैं मतलब उसका फैंडम अभी भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। जिसके नहीं हो पा रहे इसका मतलब नहीं है। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप खुद समझदार हो, आपको भी इतना डेटा पता ही होगा, तो आप कनेक्ट कर लोगे। अब यार एक इंसान इस दुनिया के अंदर नहीं है, बट उसके ना होने के बाद काफी लोग फायदा उठा रहे हैं उसका। और बार बार अगर आप देखो अपने रिव्यू के अंदर बोलते हैं कि यार वो कॉमनर है, आउटसाइडर है, नया लड़का है, तो भाई ये सब बातें क्यों बोल रहे हो, आप क्यों फायदा उठा रहे हो। अब वही लोग जिन्होंने रिव्यू किया था स्टार बॉय समथिंग पे, नाम नहीं ले रहा हूं, मगर आपके दिमाग के अंदर सारा डेटा है तो कनेक्ट कर पा रहे हो आप, ठीक है। तो स्टार बॉय क्यों ट्रेंड किया जाता। अब अचानक से जब एक इंसान इस दुनिया के अंदर नहीं है तब से लोगों को नफरत होने लगी है स्टार वर्ड से और स्टार किड वर्ड से, पता है क्यों। हाँ सिद्धार्थ भाई कॉमनर नहीं है और आउटसाइडर नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना लोहा ऑलरेडी मनवा लिया है और अभी वो स्टार है, सेलिब्रिटी है। और हमको कोई ऐसा नाम यूज नहीं करना कि यार वो आउटसाइडर है, वो कॉमनर है, नहीं भाई वो फेज अभी उनका जा चुका है और वो स्टार है, सेलिब्रिटी है। और इस बात को बोलने में हमको कोई झिझक या शर्म नहीं है, बल्कि प्राउड ही फील होता है। तो जो लोग स्टार बॉय करके ट्रेंड चलाते थे अचानक से आज उनको क्या हो गया कि वो आउटसाइडर और कॉमनर बोलने पर मजबूर हो गए हैं। तो भाई सिंपैथी गेम खेलना बंद करो और ये ड्रामे करना बंद करो। जो रिव्यू आपका होता है, जिस चीज के ऊपर आप रिव्यू बना रहे हो, तो उसी के ऊपर फोकस किया जाए, उसी पर रिव्यू बनाया जाए, ना कि दूसरे सेलिब्रिटी को नीचा दिखाया जाए। आई होप मैंने बहुत ही शांति प्रिय तरीके से बिना नाम लिए बहुत सारी चीजें बोली है। इतना दिमाग आपके अंदर है कि आप समझ जाओगे मैंने कौन सी बात किसके लिए बोली है। तो अभी कहिए बाय। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या?